Hello everybody, today I am making a house in Minecraft. So let's start it. First मैंने इसमें सबसे पहले एक 6 height की लाइन बनाई है, उसके बाद wood planks से इसको ऊपर से कवर कराया है, उसके बाद हमने यहाँ 5 blocks ऊपर लगाए और फिर उसको नीचे तक जॉइंट कर दिया लाइक दिस, और उसके ऊपर उसको पूरी तरह कवर करके उस पर वुड प्लैंक्स लगा दिए। तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसके बाद साइड से हमने फिर से वाइट कंक्रीट लगाना शुरू करा। यहाँ मैंने 2 layer वाइट कंक्रीट की लगाई है। फिर यहाँ से मैं 10 blocks आगे लेके जाऊँगी इसको, 10 blocks, एंड देन मैं यहाँ से इसको वहाँ तक जॉइंट कर दूँगी लाइक दिस। एंड फिल अप यहाँ से भी 2 ब्लॉक करने हैं हमें फिल। सो 1 2 ये हमारे हो चुके हैं। इसके बाद बीच में हमें क्या करना है, ग्लास लेना है और 2 साइड से यहाँ से लगाना है, एंड 2 ग्लास साइड्स हमें यहाँ पर लगाना है। इसको लगाने के बाद हम इसको इस तरह से वॉल से कवर कर देंगे, एंड बीच में बचे हुए में भी हम इस तरीके से ग्लास लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का पैटर्न बन चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये अंदर का, मैं ये ऊपर अंदर का ब्रेक करके यहाँ पर ये सारा फिल कर दूँगी और ऊपर से इसको फिर से कवर कर दूँगी, कवर अप लाइक दिस। ओके, सो इट्स कवर्ड नाउ। सो नाउ हम यहाँ से एक और लाइन क्रिएट करेंगे। इसको मैं लगभग 10 ब्लॉक से कम, यानी कि मैंने इसको 5 ब्लॉक लेके गई हूँ, इसको 5 6, और फिर मैंने यहाँ से इसको भी कवर कर दिया। सो लाइक हमारा फिर एक और स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पर हम लोग इसको एक और लाइन बनाएंगे और इसको हम टिल जो हमारी सेकंड विंडो है उधर तक फिल करेंगे, यानी कि जो हमारी सेकंड विंडो है उसके आगे तक की वॉल तक को फिल करेंगे लाइक दिस। यहाँ पर मैंने लाइन बना ली है तो मेरे को पता रहेगा कि मुझे कितना फिल करना है, इट वुड बी इजी। ओके, सो नाउ इट्स फिल्ड। अब हम इसको बचा हुआ एक्स्ट्रा जो हमने जो भी बोल्ट करा था उस सबको हटा देते हैं, एंड फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है कवर अप का। सो मैंने ये कवर अप कर दिया है। अब हम इसके साइड का क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से हम फिर से एक वॉल क्रिएट करने वाले हैं। इसको अगेन मैं 5 ब्लॉक्स का बनाया है और उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है। 2 ब्लॉक्स अंदर से फिल करने हैं, 2 पे हमें ग्लास लगाना है, एंड 1 पे हमें एक लाइन क्रिएट करनी है और एक और लाइन क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 6 ब्लॉक्स में रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसको फिर से फिल अप करना है, कवर अप करना है। इसके बाद हम यहाँ से वुड ही लगाना है, तो इसको वुड को आप जितना अपने लेंथ के हिसाब से ले जा सकते हैं। मैंने 20 ब्लॉक्स इसकी लेंथ रखी हुई है, और आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम इस साइड से देख लेते हैं। सो यहाँ से मैंने इसको 10 ब्लॉक्स आगे करा है और इसको मैंने फिलअप कर दिया लाइक दिस, और फिर यहाँ से वुड से कवर कर लूँगी मैं। शिट, यस डन। नाउ इसके अंदर हमें कंक्रीट फिलअप करना है, वो भी चारों लेयर से। अब मैं ये ग्लास जो है ऊपर वाली लाइन में लगा रही हूँ, नीचे हम कुछ और लगाएंगे। तो जैसे मैं बनाऊँगी आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि हमें नीचे करना क्या है। सो ऊपर वाली लाइन में मैंने, ऊपर वाले ब्लॉक में मैंने ग्लास फिलअप कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं 2 wood plank लगा के ऊपर फिर मैं ग्लास लगाऊंगी, और फिर यहाँ पर कंक्रीट, एंड ये जो एक और ब्लॉक छूटा है वहाँ पर वुड प्लैंक्स। तो बीच में जो एरिया है वो हमारे डोर के लिए हो जाएगा। सो हमारा 1/2 hour स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम पीछे से देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं 20 ब्लॉक्स लेके जा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा था आप पीछे तक जितना भी आपको लेंथ चाहिए आप उतने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 20 ब्लॉक्स इसकी लेंथ रखी है, आप अपने हिसाब से जितनी चाहते हैं उतनी कर लीजिए। 20 ब्लॉक लेंथ के बाद मैंने इसको, इस वाली लाइन को और उस वाली लाइन को, दोनों को मैं जॉइंट करने वाली हूँ, जॉइंट करना ही पड़ेगा। ओके, इट्स डन, और हमारा काफ़ी सारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब मैं सेम बॉर्डर, ओके, सो सेम जैसा हमने नीचे करा था तो वैसे ही हम ऊपर करेंगे, पूरा फिलअप करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द फिलअप देन वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यस।
ओके नाउ वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल. सो फर्स्ट आई एम मेकिंग दिस टाइप दिस साइड्स वॉल. सो पहले मैंने एक कॉन्क्रीट की लेयर, देन अ ग्लास लेयर, देन अ फिर अगेन कॉन्क्रीट की लेयर, देन अगेन अ ग्लास लेयर, अगेन कॉन्क्रीट लेयर, अगेन ग्लास लेयर, अगेन कॉन्क्रीट लेयर. फोर लेयर्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड थ्री लेयर्स ऑफ ग्लास. दिस इज़ माई पैटर्न. यू कैन ऑल्सो मेक योर पैटर्न एज यू वॉन्ट. नाउ द रिमेनिंग एरिया वी विल फिल इट विथ द वुड प्लैंक्स. ओके सो आई ओनली लेफ्ट टू ब्लॉक्स टू मेक दिस काइंड ऑफ वॉल. लेट मी टेल यू हाउ आई मेक इट. सो फर्स्ट आई मेक इट लाइक दिस. यू कैन सी इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वॉल बट इट्स ईजी. यू कैन मेक इट वेरी इजीली. नाउ आई एम पुटिंग ग्लास इन साइड इट टू मेक इट लाइक अ स्टैंड और लाइक अ टेबल. यू कैन यूज एज यू वॉन्ट. Now the remaining area we will fill it with the concrete. Okay, so I left this area because I need to design it. The how जैसे मैंने उस साइड वाली वॉल को साइड में डिज़ाइन करा था, मैं एकदम वैसे ही करने वाली हूँ. तो इससे आपको देखने में यहाँ से भी पता चल जाएगा कि मैंने उस साइड वाली वॉल को कैसे डिज़ाइन करा था. इट्स नॉट टू मच हार्ड बट अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड. Okay, so it's done and it give a very 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 nice vibes. Okay, so this is done. The white wall is also completed. Now from here we need to repeat the same pattern we done on the right side. So same concrete layer, glass layer, concrete layer, then glass layer, then concrete layer, then glass layer, then concrete layer. Okay, the wall is completed and the remaining wall I filled it with the wood and this is how it's come to in look. Now we will make it from the front area. So first I'm putting a door, then I'm using smooth quartz slabs to put it on the top and like this two layers I put it and now I joined one more slabs down in the corners because we have to make them like a stand on a stick. So I'm using glass for the sticks and it's completed. Now the chance of the upper area. So I put this glasses stands on it and I am putting the slabs on this side also. So how it comes to look and it's looking absolutely very different and good. Now I'm putting clay pots and putting some flowers in it. This is why I left the place here and look how beautiful it is. Now we have to fill the roof. So first I'm using these slabs, polished and tile slabs, so to make the balcony area of second floor and the area of the rooms on second floor will be filled with white concrete. That's why I am making it like this and it's different. So I'm jointing it from here and almost there because I'm leaving that place. That is also a place I want to make something else. So now I fill this full area like this. You can see now the remaining part we will fill it with white concrete and it's filled, completed. And tell me, do you like it, how it looks? This is the part one of this house and I will post the part two very soon. So like this video, comment in it, or do you like it, how much it is, subscribe to my channel. I'll be back with a new video. Bye viewers.